हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का जूलॉजी का पेपर है। जू ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जो सेकंड टॉपिक है इसी में, महाद्वीपीय विस्थापन। पृथ्वी पे जो आज हम महाद्वीप देखते हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये जो आज वर्तमान में है ऐसे ही वर्तमान में नहीं थे। सबसे पहले आज से लगभग 225 करोड़ वर्ष पहले, जो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो उस वक्त परमियन पीरियड चल रहा था। उस वक्त पृथ्वी एक बहुत बड़े महाद्वीप और में ही बटी हुई थी, बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट का पार्ट था, बिग कॉन्टिनेंट जिसे पेंजिया कहा जाता था। और उसके चारों ओर जो खाली जगह थी वहाँ पानी भरा हुआ था, यानी समुद्र था, जिसमें जिसको टेथिस सी कहते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी की जो प्लेट हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनमें जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और जो ओशियनिक प्लेट हैं, उनमें विस्थापन होने से ये जो पेंजिया है ये लगभग दो टुकड़ों में टूट गया। ऊपर का पार्ट लोरेशिया और नीचे का जो हिस्सा था वो गोंडवाना कहलाया, गोंडवाना प्लेट जो है वो कहलाई। हालांकि ये बीच में फिर भी जुड़े हुए थे। ये लगभग 25 करोड़ वर्षों में ऐसा है दो भागों में टूटा, यानी लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले, जो ट्राइसिक पीरियड में ऐसा देखने को मिला। उसके बाद में जुरासिक जो पीरियड आता है, यानी 150 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 150 करोड़ वर्ष पहले, ये जो गोंडवाना जो भूभाग है इसके हिस्से धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते गए। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वो भी इसी प्लेट से जुड़ा हुआ था, जो लोरेशिया से था वो भी अलग होने लग गया, अफ्रीका और अमेरिका है धीरे धीरे वो अलग होने लग गए, और इंडिया अलग होने लग गया। जो इंडिया का जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जिसको कि हम इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। क्रिटेशियस पीरियड में ये जो इंडियन पेनिनसुला है ये जाकर के लोरेशिया प्लेट से टकराता है और इंडिया का पार्ट बढ़ता है, बन जाता है। तभी हम जो साउथ इंडिया का हिस्सा है, जो पेनिनसुला है हमारा, महाद्वीप है, दक्षिण जो इंडिया का है, दक्षिण का पठार जिसको कहते हैं, वहाँ के भूभाग को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना की चट्टानें कहते हैं। और इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को वैगनर ने समझाया। एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वैगनर, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1912 में महाद्वीपों की यात्रा की और इन महाद्वीपों की आपसी, इनके जो किनारे हैं इनका अध्ययन किया, इनकी चट्टाने हैं, इनकी रॉक्स हैं उनका अध्ययन किया, और इनमें पाए जाने वाले जो फ्लोरा और फोना है उसका अध्ययन करके ये थ्योरी दी, जिसको कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। उनके अनुसार महाद्वीप जो आज हमें दिखाई देते रहे ये ऐसे पहले नहीं थे, इनमें विस्थापन हुआ, इनमें ड्रिफ्ट हुआ, जिससे कि धीरे धीरे अलग महाद्वीप बने। आज जो हम देख रहे हैं प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो इस प्रकार से ये हमें देखने को मिलती है। तो इसका जो मेन एविडेंस है कि क्या इसके एविडेंस है, कैसे, क्या प्रमाण दिए उन्होंने, अल्फ्रेड जो वैगनर थे उन्होंने प्रमाण ये दिए। जो मेन तीन प्रमाण है वो है शेप ऑफ द कोस्टल एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। पहला जो है कि जो महाद्वीप हैं उनके जो किनारे हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप का निचला हिस्सा है, वो निचले हिस्से का जो किनारा है वो साउथ अमेरिका महाद्वीप का जो ब्राज़ील वाला रीजन है उससे मिलता है, उसके किनारे उससे मिलते हैं। यानी एक जिगजैग पजल के रूप में ये दिखाई देता है कि यदि ये इसके साथ टच हो जाए तो ये इसमें एक दूसरे में फिट हो जाता है, जैसा कि जुरासिक पीरियड में हमें देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार जो नॉर्थ अमेरिका है वो लोरेशिया से और यूरोप से है वो पूरा का पूरा जुड़ा हुआ था,
जो कि आपस में मिले हुए हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए भाग हैं, वो पहला प्रमाण है कि महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से अलग हुए हैं। दूसरा जो एविडेंस है, प्रमाण है, वो ये है कि इस रीजन में जो फ्लोरा और फोना है वो आपस में मिलता हुआ था। पेलियोजोइक एरा जो था, पेलियोजोइक एरा यानी युग जो था, उसके फॉसिल्स को स्टडी किया गया, तो उसके फॉसिल्स से ये पता लगा कि यहाँ पे जो जो रेप्टिलियन फ्लोरा थे साउथ अमेरिका में, वैसे के वैसे रेप्टिलियन फ्लोरा अफ्रीका में मिले। यहाँ पे जो फ्लोरा थे यानी जो प्लांट थे, चाहे वो एल्गी हो या फिर कोई अन्य जिम्नोस्पर्म हो, वो भी उस दौरान एक दूसरे कॉन्टिनेंट्स में पाए गए। तो यदि बीच में पहले से ही समुद्र होता तो ये बड़ा असंभव था कि कोई एक एनिमल है वो साउथ अमेरिका में भी मिले और वो ही अफ्रीका के पश्चिमी तट पे मिले। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें आपस में समानता थी। एक जो प्रमाण है इसमें तीसरा, वो ये है कि चट्टानों की इनमें सिमिलरिटी थी। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की चट्टानें आपस में एक दूसरे से मिली हुई है, मतलब उनमें काफी अत्यधिक समानता थी। इससे सिद्ध होता है कि किसी समय अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से जुड़े हुए थे। साथ ही यहाँ पे चौथा प्रमाण है, महाद्वीप की जो बर्फीली सतह है उनमें आपस में समानता थी। यानी ये जो जो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि 300 करोड़ साल पहले ये जो महाद्वीप थे, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है, नीच साउथ ऑस्ट्रेलिया का तटीय भाग है, वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए थे। और वो किससे? एक बर्फ की कॉन्टिनेंटल आइस शीट से ढके हुए थे। बर्फ की जो एक सतह है उससे ढके हुए थे। क्योंकि आज जो पता लगता है कि इनकी जो चट्टाने हैं वो उनके ऊपर ग्लेशियर के आज भी हमें निशान दिखाई देते हैं। इसमें एक दूसरा जो पार्ट है वो मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि वो इसमें आता है कि किस प्रकार से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये फॉसिल्स है, साइनोग्नेथस जो ट्राइसिक पीरियड का एक रेप्टाइल्स था, इसके फॉसिल्स साउथ अमेरिका में भी मिलते हैं और अफ्रीका भी में मिलते हैं। तो एक यदि ये आपस में अटलांटिक ओशन से यदि अलग रहते दोनों कॉन्टिनेंट, तो ये बड़ा असंभव था कि ये जो रेप्टाइल्स है साइनोग्नेथस, ये साउथ अमेरिका से पानी में तैर के अफ्रीका में जाए। इसका मतलब है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका उस समय ट्राइसिक जो एरा था, ट्राइसिक पीरियड था, उसमें जुड़े हुए थे। दूसरा जैसे एक फॉसिल है जिसका नाम है, लैंड रेप्टाइल है ये, लिस्ट्रोसोरस। ये इसके जो फॉसिल्स हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिले, भारतीय दक्षिण भारतीय में, अफ्रीका में भी मिले हैं और एंटार्क्टिका में मिले हैं। इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि ये तीनों महाद्वीप आपस में किसी समय पे जुड़े हुए थे, यानी जो ट्राइसिक जो पीरियड था उस दौरान तक ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। एक जो प्रमाण है वो है फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स है मीजोसोरस का। ये पानी में, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला एक रेप्टाइल्स था मीजोसोरस, जिसके फॉसिल्स साउथ अमेरिका के अर्जेंटाइना और साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका के साउथ अफ्रीका देश में पाए गए हैं। इसका मतलब भी यही है कि दोनों भाग किसी समय आपस में जुड़े हुए हैं। और एक जो बहुत बड़ा फॉसिल्स जो सभी कॉन्टिनेंट्स में लगभग मिला है वो है फर्न ग्लोसोप्टेरिस। ये जो फर्न है ये सभी यानी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, इंडिया का साउथ पार्ट और ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि ये जो फर्न है ग्लोसोप्टेरिस ये उस समय उस पीरियड में था, ट्राइसिक पीरियड में था, और उस दौरान ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। तो ये जो महाद्वीप आपस में जुड़े रहते हैं,
ये महाद्वीप एआर वेल उसके अनुसार वेगनर के अनुसार अलग अलग हो गए, जो कि इनके अंदर पाए जाने वाली जो टेक्टोनिक प्लेट हैं, कॉन्टिनेंट टेक्टोनिक प्लेट और ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट, उनके विस्थापन से दोनों आप एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ पे दो प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। जो महाद्वीपीय प्लेट्स हैं उनमें एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की अधिकता पाई जाती है उनकी चट्टानों में, इसलिए उन चट्टानों को सियाल नाम दिया गया है। वो लगभग 50 से 70 किलोमीटर मोटी होती हैं। और दूसरी जो प्लेट है वो है ओशियोनिक प्लेट। ओशियोनिक प्लेट भी सिलिकन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है उनमें, इसलिए उनका शॉर्ट में उनको साइमा नाम देते हैं, SIMA। SIMA का मतलब SI सिलिकन का प्रतीक है, सिंबल है, MA यानी मैग्नीशियम से रिलेटेड है। तो मैग्नीशियम और सिलिकन की अधिकता होने के कारण उन्हें साइमा कहा गया। ये भी लगभग 6 से 10 किलोमीटर मोटी ओशियनिक प्लेट होती है। इन प्लेट्स में विस्थापन हुआ, भूकंप आए और ज्वालामुखी फटने, इनके फटने से क्या है, महाद्वीप अलग हुए। आज जो टेथिस सागर है वहाँ टेथिस सागर उस जगह पे भारत जो है इंडिया है, इंडियन पेनिनसुला है, वो आकर के जुड़ा हुआ है। और उसके कुछ अवशेष हैं वो हमें राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं, जैसे सांबर है, बीकानेर में लूणकरण सर है, पंचभद्रा है, ये जो खारे पानी की जो बीच बीच में पैकेज राजस्थान के डेजर्ट में हमें दिखाई देते हैं, वो इस बात का द्योतक है कि उस समय यहाँ पे टेथिस सागर था, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि गोंडवाना प्लेट का टुकड़ा था, वो आकर के जब हिमा इससे टकराया, लोरेशिया की प्लेट से टकराया, तो उससे हिमालय पहाड़ बन गया और इंडिया है वो आकर के यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये जो थ्योरी है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय विस्थापन कहलाती है। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।